हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत में प्रमुख धार्मिक आंदोलन, जिसके अंतर्गत हम जैन धर्म के बारे में विस्तार से जानेंगे तथा जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं, जैन त्रिरत्न एवं जैन दर्शन को आज के वीडियो के माध्यम से विस्तार में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस क्लास का PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। PDF के माध्यम से पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक डाउनलोड कर लें। दोस्तों, बिना देर किए हम आज के अपने टॉपिक पर आते हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ विजेता होता है, अर्थात जिसने अपने मन, वाणी एवं काया को जीत लिया हो, उसे जैन कहते हैं। जैन अनुश्रुतियों और परंपराओं के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, परंतु इनमें से पहले 22 तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव अर्थात आदिनाथ को जाता है, जिन्होंने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जन आंदोलन का प्रवर्तन किया। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर एवं अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इसका काल महावीर से 250 ईसा पूर्व माना जाता है। इसके अनुयायियों को निग्रांत कहा जाता था। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत इस प्रकार हैं: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, धन संचय का त्याग तथा अस्तेय, चोरी ना करना। पार्श्वनाथ ने नारियों को अपने धर्म में प्रवेश दिया, क्योंकि जैन ग्रंथ में स्त्री संघ की अध्यक्षा पुष्पचूला का उल्लेख मिलता है। पार्श्वनाथ को झारखंड के गिरिडीह जिले के सम्मेद पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ। आगे देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। महावीर ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की, जिन्हें 11 अनुयायी सम्मिलित थे। ये गणधर कहलाए, इसे याद रखेंगे। आगे देखते हैं, जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद पर विश्वास करता था, इंपॉर्टेंट है। इसके अनुसार कर्मफल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है, क्योंकि दोनों में जीवों की हत्या होती है। आगे देख लेते हैं, जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं। जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाओं के अंतर्गत पंच अनुव्रत अथवा महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय तथा ब्रह्मचर्य है। इन 5 व्रतों में ऊपर के 4 अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह तथा अस्तेय पार्श्वनाथ ने दिए थे, जबकि 5वां ब्रह्मचर्य व्रत महावीर ने जोड़ा। वेरी इंपॉर्टेंट, जैन धर्म में पंच अनुव्रतों के अतिरिक्त 3 गुणव्रत भी बताए हैं, जो इस प्रकार हैं: दिग्व्रत, दिशाओं में भ्रमण की मर्यादा बांधना, अनर्थ दंडवत, प्रयोजनहीन पाप उत्पादक वस्तुओं का परित्याग करना, एवं भोगे भोग परिमाण अर्थात भोग्य पदार्थ का परिमाण निर्धारण। आगे देख लेते हैं, जैन धर्म में 7 शील व्रत, दृग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंडव्रत, सामायिक, रोषधोपवास, उपभोग तथा अतिथि संविभाग का उल्लेख है, एवं जैन धर्म में धर्म के 10 लक्षण बताए हैं, जो इस प्रकार हैं: उत्तम क्रामा, उत्तम मार्वद, उत्तम मार्वज, उत्तम सोच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम अकिंचन, उत्तम ब्रह्मचर्य तथा उत्तम त्याग। दोस्तों, आगे देख लेते हैं त्रिरत्न के बारे में। कर्मफल से मुक्ति के लिए त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक है, जो इस प्रकार है: सम्यक दर्शन अर्थात वास्तविक ज्ञान, सम्यक ज्ञान अर्थात सत्य में विश्वास, सम्यक आचरण अर्थात सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति समभाव। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में देख लेते हैं जैन दर्शन, जो इस प्रकार है: अनेकांतवाद, बहुरूपता का सिद्धांत, सप्तभंगी नय अथवा श्यालवाद, जिसे सापेक्षता का सिद्धांत बोलते हैं, यह ज्ञान संबंधी जैन सिद्धांत है, जिसके अनुसार दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण हर ज्ञान विभिन्न स्वरूपों में व्यक्त किया जा सकता है। इस सप्तभंगी ज्ञान को श्यादवाद कहते हैं, तथा नवावाद आंशिक दृष्टिकोण का सिद्धांत। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा क्लास खत्म होता है। अगले वीडियो के माध्यम से हम जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी के जीवन परिचय को पढ़ेंगे। दोस्तों, हमारा आगामी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारा वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। पढ़ते रहें, रोज नया सीखते रहें। धन्यवाद।